प्यार कहने को तो सिर्फ तीन ही शब्द है, पर अगर ये तीन शब्द किसी के ऊपर हावी हो जाते हैं तो ये किसी भी बंदे को रातों रात कुछ बनाने से लेकर गिराने तक का पोटेंशियल रखते हैं। अब जैसे हाल ही में I-12 फिल्म मूवी वाले केस में इन शब्दों ने हमारे मनोज कुमार शर्मा को IS बना दिया, और मेरे दोस्त मुन्ना वाले केस में इन शब्दों ने उसे बुरी तरह से पिटवा दिया, क्योंकि बंदे ने हमारी क्लास की एक लड़की के पीछे इस दुनिया जहाँ के हर दुख दर्द झेले हैं। मतलब एक स्कूल के टीचर्स जितनी बुरी तरह से एक स्टूडेंट को पीट सकते हैं उससे भी ज्यादा बुरी तरह से पिटा है वो। और नादान इसके बाद भी कहता है कि प्यार की शक्ति दुनिया को हिला देती है, लोग एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। फिर ये तो सिर्फ मार ही थी, एंड आई वॉज लाइक सिर्फ मार थी। अबे साले, मार के साथ साथ जो उन्होंने तुझे जलील किया है वो सिर्फ मार वाली कैटेगरी में नहीं आता है, और ऊपर से वो लड़की तुझे भाव भी नहीं देती है यार। और क्या बोला तूने, प्यार की शक्ति दुनिया को भी हिला देती है। अबे साले, कोई प्यार व्यार की शक्ति नहीं है, सिर्फ हवस की शक्ति भरी है तेरे अंदर जिससे तू दुनिया नहीं कुछ और ही हिला सकती। पर आप क्या करें, इन प्यार के पंछियों को अपनी फीलिंग्स के आगे और कुछ दिखता भी तो नहीं है। आप आम दुनिया तो आम, हमारी सुपीरियर्स की भी दुनिया में ये तीन शब्द कहकर हमारे सुपीरियर्स की ले रहे हैं। मतलब उन दो प्यार के पंछियों के अलावा सबको नजर आ रहा है कि भाई तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। अब जैसे बड़ा एग्जाम्पल तुम नताशा एंड ब्रूस बैनर का ले लो। मतलब क्यों नताशा, क्यों, ऐसा क्या है इसमें जो हमारे टोनी स्टार्क में नहीं था? अब हाँ माना, हमारे टोनी भैया थोड़े रंगीन मिजाज के थे, चलो माना कुछ ज्यादा रंगीन मिजाज के थे, पर ये भी कोई दूध का दला नहीं है। सकार पैलेट पर एक एलियन के साथ रात रंगीन करके आया है भाई साहब, और ये देखो प्रूफ। पर अब चलो यार, इससे परे मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे MCU कपल्स के बारे में बताता हूँ जो एक दूसरे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बने थे। मतलब जब ऐसे कोई मिला रही रोमांस वगैरह दिखाने के लिए तो ऐसे ही दोनों का नाम एक साथ जोड़ दिया गया। तो अब चलो यार, ज्यादा आपको प्रतीक्षा ना करवाते हुए शुरू करते हैं। बार यार, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। वैसे मुझे पता है कि तुम कर दोगे, क्योंकि यार तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो सोच से तुम जरूर एक अच्छे आदमी लग रहे हो। औरत भी नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई लड़की मेरी वीडियोस देखती होगी। बट एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टीव रॉजर्स एंड शैरन कार्टर। अब यार, अगर आपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखी है तो फिर आपने उस मूवी में अपने कैप्टन को इन मोहतरमा के साथ तो जरूर देखा होगा। अब मूवी में हमें पता चलता है कि ये लड़की यानी शैरन कार्टर अपनी पेगी कार्टर की भतीजी की बेटी थी, जो कि शील्ड के अंडर एक एजेंट थी। अब मूवी में वो अपने कैप्टन की कई तरह से मदद करती है, जिनमें एक ये मदद भी शामिल थी। मतलब यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि शैरन कार्टर इस मूवी में अपने कैप्टन की एक अच्छी दोस्त से ज्यादा और कुछ भी नहीं होगी, और ऊपर से अपना कैप्टन भी तो एक सख्त लौंडा था जो कि पेगी के अलावा किसी के भी सामने आज तक नहीं पिघला है। मतलब नताशा ने भी ऐसे खूब दौरे डाले पर बात नहीं बनी, तो इसलिए मैं बस सोच रहा था कि शैरन कार्टर मूवी में अपने कैप्टन की अच्छी दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं होगी, और पेगी के टपकने के बाद कैप्टन तो सारा बदल गया। भाई साहब ने मस्त ब्रिज के नीचे इस हसीना को पकड़कर अपने पिछले 70-80 साल की भड़ास निकाल दी। पर यार, यकीन मानो, कैप्टन का ये डिसीजन बहुत ज्यादा भाइया था, क्योंकि उसने सीन में अपनी भतीजी को किस कर दिया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि यार, एज वी ऑल नो की एंड गेम के लास्ट में जब कैप्टन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस छोड़ने के लिए जाता है, तब वो अपनी अधूरी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए पेगी के पास चला जाता है और उससे शादी भी कर लेता है। तो अब आप सोच लो कि कैप्टन ने ये क्या कांड कर दिया था। पर अब चलो यार, कैप्टन ने तो ये सब अनजाने में कर दिया था, पर हमारे अगले MCU कपल ने तो सब कुछ जानते हुए भी कि हम एक दूसरे के लिए नए बने हैं सारी हदें पार कर दी। लोकी एंड सिल्वी। अब यार, वो एक लाइन होती है ना कि दुनिया को जाने से पहले तुम खुद को चाहो। मतलब पहले अगर आप खुद ही खुद से प्यार नहीं करोगे तो दुनिया क्या घंटा प्यार करेगी आपसे। अब यार, इन लाइनों को हमारे लोकी ने तो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। मतलब भाई खुद को ही खुद से किस कर देता है। अब अगर आपने लोकी का season 1 and 2 देख लिया है तो फिर तो आपको पता ही होगा कि हमारे इन दो प्यार के पंचों का रिश्ता एक अलग ही लेवल का है, मतलब मल्टीवर्स लेवल का है। अब जब टीवी लोकी को अरेस्ट कर लेती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि इस मल्टीवर्स में वो अकेले नहीं है, बल्कि कई और अलग अलग यूनिवर्सेस में उसके कई अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं, जैसे ये किड लोकी, एलिगेटर लोकी एंड ये वाला लोकी। और यार, अब इन सब मुस्टंडों से परे लोकी का एक असीन कम सिंसा वेरिएंट भी एग्जिस्ट करता है, जिसे हम प्यार से सिल्वी के नाम से जानते हैं। और यार, लोकी ये जानते हुए भी कि ये मैं ही हूँ, बस शरीर अलग है, इस पर मर मिट जाता है। मतलब हमारे शरारत के देवता के मन में सिल्वी को देखकर थोड़ी थोड़ी सी शरारत होने लग जाती है, और थोड़ा समय साथ बिताने के बाद सिल्वी के भी मन में कुछ कुछ होने लग जाता है, एंड फाइनली दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एंड इससे लिटरली सारा संसार हिल गया था। मतलब सभी टाइमलाइंस में एक साथ गड़बड़ी होने लग गई थी। एंड यार, इस मोमेंट पर मुझे रियलाइज हुआ कि साला वो मेरा दोस्त सच ही बोल रहा था, प्यार की शक्ति दुनिया को मिला देती है। पर यार, लोकी एंड सिल्वी एक दूसरे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बने थे, जो कि आगे चलकर वो दोनों साबित भी कर देते हैं। मतलब ऐसे अपना लोकी तो कुछ भी नहीं करता है, पर सिल्वी ही यूरिमेंट्स को मारने के लिए लोकी की भी जान लेने पर उतारू हो जाती है। पर अब खैर, जो होना था वो तो हो गया। पर चलो, एक बात आप बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारा कोई खूबसूरत सिल्वी जैसा सा वेरिएंट
मिल जाता है तो क्या तुम भी अपने लौकी की ही तरह उसके साथ कुछ कुछ कर दोगे। चलो यार आप अपने खाली हाथों का इस्तेमाल करके जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। बाकी अगर बात करें हमारे नेक्स्ट एमसीयू कपल की, वांडा एंड विजन, बहन जो इतनी सुंदर लड़की को विद द टैलेंट ऑफ काला जादू इस टीन के डिब्बे के साथ चिपका दिया। मतलब किस रहस्यमय प्राणी ने ये वांडा की प्रेम कथा लिखी थी। ये साला जो भी था हरामी बहुत था, क्योंकि एक सही पार्टनर के अलावा जो गलत बंदा मिल सकता था एक पूरे रोबोट से लेकर आधे रोबोट तक उसको वांडा के साथ चिपका दिया। साला एक जगह तो ये खुद के भाई के साथ ही जुगाड़ बिठा रही है। पर अब चलो ये जो कुछ था वो कॉमिक्स में था और मुझे लग रहा था कि शायद एमसीयू में कुछ अच्छा दिखा सकते हैं, पर कुत्ते की तुम कभी स्थिति हो नहीं सकती और जो भी वांडा की लव स्टोरी लिखता है उसका भी आरामीपन खत्म नहीं हो सकता है। ये तो कुछ मैच ना हुआ। मतलब जब वांडा की जिंदगी में रोमांस की कमी हुई तो इस अल्ट्रॉन लाइट को वांडा की जिंदगी में भेज दिया गया। एंड आई वाज लाइक अबे क्या करेगी वो इस टीन के डिब्बे के साथ, मतलब जिसका सब कुछ लोहे का हो वो भी लोहे का हो इतना लंबा, उसके साथ एक क्या ही लव स्टोरी क्रिएट हो सकती है। साला वांडा को तो बर्बाद किया ही किया, उसकी रोमांटिक जिंदगी को भी झंड करके रख दिया। बाकी बस यार इस वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, कम से कम प्यार की शक्ति के लिए तो कर ही देना।